मुश्किल काम नहीं है आपका काम है सिर्फ अपने गुनाहों को कन्फेस करना अपने गुनाहों को खुदा को बताना और खुदा आपके सारे गुनाहों को खुद ब खुद ही साफ करेगा मसीह के खून से इससे इसके लिए मैं आपके सामने आ, बता खोलना चाहती हूँ योहन्ना क्या खत पहला आम ख़त और उसका पहला बाप और उसमें पाँच से दस आयत मैं आपके सामने पढूंगी मैं सबसे पहले आपको तीन तरह के गुनाह बताना चाहती हूँ जो बाइबल हमें बताती है बाइबल के मुताबिक तीन तरह के गुनाहों में सबसे पहला गुनाह हमारा वो होता है जो हम अपनी ज़िंदगी में खुद करते हैं दूसरा गुनाह वो है जो हमारे माँ बाप ने किए वो भी मैं आपको बाइबल में से बताऊँगी और तीसरा और वो गुनाह जो हमारे माँ बाप कर करके जा चुके होते हैं उनके सारे गुनाह भी हमारे ऊपर होते हैं और वो कौन सा गुनाह है वो आपको बताऊँगे कौन से गुनाह की वजह से हम सफ़र करते हैं अपने माँ बाप की वजह से और तीसरी तरह का जो गुना है वो वो है जो आदम और हवा ने बागेदन में किया था ख़ुदा को नाराज़ किया और ख़ुदा को नाराज़ करने से जो आ, उनका उन्होंने गुनाह किया हम हम उसी गुनाह में पैदा होते हैं और ये तीन तरह के गुनाहों से आज, आज आप जब निजात पाएंगे तो आप देखेंगे कि खुदा आपको बहुत फर्क देगा और आप खुदावन की हजूर से ताजगी के दिनों को महसूस करेंगे उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि सिर्फ आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ ले आएँ और खुदा की हजूरी में बैठें और कलाम को सुने और अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने कानों को खोलें ताकि जब तक तो क्लाम आपके कानों को टच करेगा जब कलाम आपके कानों तक जाके और आपके दिल में जाएगा और बीच की तरह जब ये बोया जाएगा तो तब आपका आपकी ज़िंदगी के दिन और बहुत मुश्किल काम नहीं है बहुत आसान काम है बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग काम है एक नया तजर्बा आज अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो ज़रूर कलाम को कॉर्से सुनिए तीन तरह के गुनाह मैं आपको बताऊंगी और तीन तरह के गुनाह जो हैं वो आपकी ज़िंदगी को आज बदलेंगे और ख़ुदा आपकी ज़िंदगी में बहुत से मेरिकल्स करना चाहता है बहुत से बल्कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर बैठ के आपके लिए मेरिकल नहीं करूँगी बल्कि आप खुदा के कलाम को सुन के अपने लिए खुद मेरिकल को लेंगे क्योंकि जो मुजादात हैं वो खुदा करता है और अपने कलाम के लिए करता है जो कलाम सुनाया जाता है अगर उसको माना जाए तो खुदा वहाँ पे खुद काम करता है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से पाकिस्तान में जब मैंने खिदमत की बहुत से लोग ऐसे थे जो आ, जो सिर्फ कलाम को सुनते और कलाम को मानते थे और उसके वसीले से वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत बड़े बड़े मेरे के यहाँ तक कि एक ब्लाइंड की आंखें खुली थी और उसने मुझसे दुआ नहीं कराई थी मगर उसने मुझे कहा कि आपने क्लाम सुनाया था कि मसीह की रास्तबाजी को पूरा करना है और मैंने यस्सु को कहा था कि रास्तबाजी को मैं पूरा कर लेता हूँ और तू मेरी आंखें खोल दे तो खुदा ने जब मैंने पानी का तस्मा लेकर बाहर आया हूँ तो मेरी आंखें खुदा ने खोल दी ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि मुजजा मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से होगा अगर आप खुदा के कलाम को गौर से सुनेंगे आप खुदा के कलाम को गौर से आ, उसके ऊपर अमल करने के लिए और बहुत आसान तरीका खुदा आपको देगा भी कोई मुश्किल नहीं है आपके साथ अभी मैं आपको कलाम मुकदस में बड़ी अच्छी बातें अभी बताना चाहती हूँ बड़ा मज़ेदार ये अल्फाज हैं जो खुदा का कलाम हमें अभी देगा और बहुत आसानी के साथ हम खुदा के कलाम में भरेंगे कलाम मुकदस में योहाना का पहला आम खत उसका पहला बाब और उसकी पाँच आयत से दस आयत में लिखा है उसे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं इसका मतलब है कि खुदा नूर है और उसमें बिल्कुल कोई भी तारीकी नहीं है तारीकी जो है वो गुनाह की अलामत है और अगर हम समझते हैं कि खुदा नेक है और खुदा पाक है तो उसमें ज़रा भी तारीख़ी नहीं इसका मतलब है कि खुदा में तो बिल्कुल भी गुनाह नहीं और अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है जो कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारी उसके साथ शराकत है और हम हमेशा अपने आप को ख़ुदा के बच्चे भी कहते हैं उसको हेमली फ़ादर भी कहते हैं आसमानी बाप कहते हैं तो जब हम आसमानी बाप उसको कहेंगे और फिर हम तारीकी में चलेंगे लिखा है इकलामी गकदस में और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक हाँ पर अमल नहीं करते लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है यानी हमें गुनाह से दूर रहना पड़ेगा और जब हम गुनाह से दूर रहेंगे तो फिर हमारी खुदा के साथ शराकत हो सकती है और आ, उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है यानी यस्ु का खून आसान तरीका है बिल्कुल हमारे सारे गुनाहों से पाक होने का यीशु का खून हमें तम तमाम गुनाह से पाक करेगा आपको इसके लिए कोई ख़ास ख़र्चा भी नहीं करना पड़ेगा या कहीं जाना नहीं पड़ेगा बल्कि आपने